थ्योरेटिकल पार्ट में लास्ट क्लास में कर चुका था। अब आपको क्वेश्चंस करने हैं। क्या करने हैं? क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब देखो सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन ना बहुत आए हैं, बट उनकी कंडीशंस चेंज कर दी हैं। सिंपल कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत आए हैं, मतलब ये तो सिंपल वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ कंडीशन लगा दो कि पहले 3 नहीं आ सकता, या 2 नहीं आ सकता, पहले 1 नहीं आ सकता, ऐसे क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस किए होते हैं तो वो क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं आप लोगों से। अब ये देखो, ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स कैन बी फाउंड बाय डिजिट 1, 2, 3, 5, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, जब आपकी 3 डिजिट नंबर है तो 1, 2, 3 प्लेसेस हैं। अब आप देखोगे हर प्लेस पे कितने वेज हैं आपके पास, m इंटू p इंटू q वाला, कितने वेज हैं। अब फर्स्ट प्लेस पे आपके पास 5 डिजिट है, तो सीधा आप क्या कर सकते हो, 5 प्लेसेस हैं, 5, 5 वेज हो गए, 1 भी कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो। सेकंड प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे बच्चे क्या है, आपका जो डिजिट यहां आ गई है वो नहीं आनी चाहिए, मतलब कोई भी एक डिजिट, तो क्या आएगा, 4 इंटू 3। 120 कैसे हुआ भाई नवदीप, सुशांत? अरे भाई 3 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर होता तो 120 होता ना, ये भी तो देखो। डिजिट कितने डिजिट नंबर है, मैंने बोला 5 डिजिट, 4 डिजिट, सिंपल सी बात है, क्या होगा, ये 3 डिजिट नंबर है ना, 60 आंसर होगा इसका, ना कि, ना कि, हाँ जी। आप गलती मत करो, क्वेश्चन जो बोला है वो देखो, और यही क्वेश्चन हेल्प करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं बात करूंगा, वो थोड़े से उनमें कंडीशंस और ज्यादा हैं, लेकिन वो हो जाते हैं, कोई इश्यू नहीं है उसमें। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 2000 एंड 3000 कैन बी फाउंड बाय डिजिट 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, बताओ। अब देखो बिटवीन 2000 एंड 3000 है, 4 डिजिट नंबर हो गया। अब मुझे बताओ कितने नंबर होंगे, ऐसे डिजिट कितनी है आपके पास, डिजिट कितनी है, डिजिट बताओ मुझे। विजिबिलिटी ठीक है क्वेश्चन की, क्वेश्चन की विजिबिलिटी में तो कोई इश्यू नहीं है आई थिंक। हाँ बताओ मुझे, एक मिनट मैं क्वेश्चन की विजिबिलिटी थोड़ा सा आपका एक लाइट ऑफ करके देखूं। ठीक है विजिबिलिटी, अब भी थोड़ा ये पीछे डार्क हो जाता है उस लाइट के कारण ना। हाँ जी बताइए मुझे, 218, 8। देखो ना फर्स्ट प्लेस पे कितना आएगा, फर्स्ट प्लेस पे आपका सिर्फ 2 आ सकता है, तो 1 वे हो गया। सेकंड प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड है, तो कितने डिजिट है, 1, 2, 2 नहीं आएगा, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7 डिजिट्स हैं, कोई भी 7 डिजिट आ सकती है, कोई भी 6 आ सकती है, 4 डिजिट नंबर है ना, कोई भी 5 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, 13 इंटू 7, 210, 210। हाँ जी नवदीप, 8 क्यों किया, नहीं सर, वो पहले वाले टोटल का टोटल डिजिट्स 8 डिजिट है। 8 है। यस सर, वो ठीक है लिखा था। ठीक है, ठीक है हाँ ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट बताओ, इन हाउ मेनी वेज कैन ए पर्सन सेंड एन इनविटेशन कार्ड टू 6 ऑफ हिज फ्रेंड्स इफ ही हैज 4 सर्वेंट्स टू डिस्ट्रीब्यूट इट, बताओ मुझे। उसके पास 4 सर्वेंट है जो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आपके इस चीज को, तो आंसर क्या होगा इसका, इजी है ये क्वेश्चन। 4 सर्वेंट है उसके पास, 4, बताओ मुझे आंसर, बताओ इसका फटाफट। इनविटेशन कार्ड कैन बी सेंट इन, बताओ कितने वेट से सेंट कर सकते हो। हाँ जी
4 raised to power 6। ठीक है, देखो ना, 6 बंदे, हर बंदे के पास आप कितने तरीके से कार्ड भेज सकते हो? हर बंदे के पास आप, हाँ जी, 4 तरीके से कार्ड भेज सकते हो। फोर रेज टू पावर सिक्स, 4 raised to power 6, 6 बंदे, हाँ जी, 4 तरीके से आप कार्ड भेज सकते हो। नेक्स्ट देखो, ये थोड़ा सा इससे अलग है, ध्यान देना इसमें। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 प्राइज बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 8 स्टूडेंट्स? कैन 5 प्राइजेस बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 8 स्टूडेंट इफ ईच स्टूडेंट कैन गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस? अब यहां बात आ गई, ईच स्टूडेंट कैन गेट एनी नंबर ऑफ प्राइजेस, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज 5 प्राइजेस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टूडेंट्स इफ ईच स्टूडेंट कैन गेट एनी नंबर ऑफ, बताओ इसमें क्या होगा? एक और चीज है, इसमें हम प्राइजेस को डिफरेंट मानेंगे। प्राइजेस को क्या मानेंगे? डिफरेंट मानेंगे, मतलब एक दूसरे से अलग है। एट रेज टू पावर 5, कैसे? हर प्राइज को आप, हाँ जी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 8। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने? 8। हर प्राइज को आप, हाँ जी, 8 नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ओके, और प्राइज कितने है? 5। अब देखो, प्राइज कम है आपके, ठीक है। एक स्टूडेंट को कितने तरीके से प्राइज दे सकते हो? एक स्टूडेंट को एक प्राइज कितने स्टूडेंट्स को दिया जाएगा? इसमें ये आएगा, क्यों? क्योंकि आपके पास 5 प्राइज है, 8 स्टूडेंट है। दिस प्राइज कैन बी गिवन गिवन टू 8 स्टूडेंट्स। 8 तरीके से ये प्राइज दिया जा सकता है किसी भी स्टूडेंट को। तो जो फर्स्ट प्राइज है वो 8 तरीके से दिया जा सकता है, 8 स्टूडेंट है। सेकंड प्राइज भी 8 तरीके से दिया जा सकता है, थर्ड प्राइज भी 8 तरीके से, फोर्थ प्राइज भी 8 तरीके से, फिफ्थ भी। 8 raised to power 5 आपका आंसर होना चाहिए इसमें। कितना होगा? 8 raised to power 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन हाउ मेनी वेज 7 इंडियन, 5 पाकिस्तानी एंड 6 डच? ध्यान देना, ये क्वेश्चन कराया मैंने, ठीक है, मतलब एग्जाम्पल बताया था ऐसा कुछ। इन हाउ मेनी वेज 7 इंडियंस, 5 पाकिस्तानीज एंड 6 डच बी सीटेड इन ए रो सो डेट द ऑल पर्सन ऑफ द सेम नेशनलिटी सिट टुगेदर? बताओ क्या आंसर होगा? मतलब कुछ इंडियन है, कुछ आपके डच हैं, और कुछ आपके क्या हैं बच्चे, हाँ जी, कुछ आपके क्या हैं? पाकिस्तानी हैं। अब वो कह रहा है कि जो एक नेशनलिटी के लोग हैं वो एक साथ बैठने चाहिए, एक नेशनलिटी के लोग एक साथ बैठने चाहिए। बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? अब देखो, एक नेशनलिटी के लोग, हम क्या करते हैं, सेम MNP वाला क्वेश्चन। MNP, आपके पास 3 तरह के लोग हो गए, 3 डब्बे हो गए, इंडियन, पाकिस्तानी, डच। इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? बताओ तुम इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? 3 फैक्टोरियल। कितने तरीके से बच्चे? 3 फैक्टोरियल, ठीक है। फर्स्ट थिंग ये समझो कि आपके पास 3 ग्रुप्स हो गए, वो ग्रुप में हर लोग बंदे हैं जो इकट्ठे होने चाहिए। अब इनको कैसे भी आप अरेंज कर सकते हो? 3 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकते हो। ये तो होगी एक्सटर्नल अरेंजमेंट, मतलब पूरे का ग्रुप की कैसी अरेंजमेंट होगी? पाकिस्तानी को आगे बिठाएं, या इंडियंस को आगे बिठाएं, या डच को पीछे बिठाएं? 6 ऐसी अरेंजमेंट बनेगी, ABC, 6 तरीके से अरेंजमेंट बन सकती है 3 फैक्टोरियल। हाँ, 3 फैक्टोरियल इंटरनल होगी। अब देखो, 7 इंडियंस है, ये भी तो आपस में क्या करेंगे, सीट्स इंटरचेंज कर सकते हैं, इनटू 7 फैक्टोरियल। ये भी क्या है, 5 पाकिस्तानी है, 5 फैक्टोरियल, इनटू 5 फैक्टोरियल। एंड एंड आपके डच कितने? 6, 6 फैक्टोरियल।
ये आपका क्या होगा, दिस विल बी योर आंसर। गॉट दिस और नॉट? किसी बच्चे को कोई इश्यू है इसमें तो मुझे समझाइए, बताइए मुझे। गॉट इट? बताओ बताओ मुझे बताओ, समझ आया है कि नहीं आया? ये चीज मुश्किल नहीं होनी चाहिए, ये चीजें इजी हैं। गॉट इट और नॉट? समझ आया? हाँ जी नवदीप, चलें आगे। ये बताओ, क्लास में करवाया था ये? यही एग्जाम्पल लिया था मैंने। बताओ जिन बच्चों ने कर लिया। सेवेंथ एट्थ सारी ही शेयर कर लूंगा, मुझे टाइम थोड़ा कम लगता है, एक साथ बैठूंगा और जितनी भी पिछली बाकी हैं सारी मैं आपसे शेयर कर लूंगा, ठीक है? हाँ जी बताइए। देर आर फाइव रूट्स टू गो फ्रॉम इलाहाबाद टू पटना एंड फोर वेज टू गो फ्रॉम पटना टू कलकत्ता, देन हाउ मेनी वेज? बताओ बताओ फटाफट बताओ मुझे, कितने वेज से ये वो कर सकते हैं? यार पी इंटू, एक जगह से पांच जाने के चांसेस हैं, दूसरी जगह से चार हैं। एम इंटू एन इंटू पी, पी दो ही है पॉसिबिलिटी, 20 20 हो जाएगा, ठीक है? विजिबल है, किसी को इश्यू तो नहीं है? हाँ जी विजिबिलिटी का कोई इश्यू तो नहीं है, बताओ मुझे। लिखिए बताइए क्या रहेगा इसका। अच्छे से पढ़ के आंसर करिए, बताइए मुझे। इजी क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स मत बनाना। देखो क्वेश्चन क्या है, देर आर फोर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस टू एंटर इन टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, रैट बैट सेट पैट। एन इंजीनियर कैन नॉट गो टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थ्रू बैट और सेट, मतलब दो तरीके से जा सकता है। ए सीए ऑन द अदर एंड कैन गो टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी थ्रू रैट बैट एंड पैट बट नॉट थ्रू सेट। एक सीए जा सकता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। फर्दर देर आर थ्री वेज टू बिकम ए सी ए, फाउंडेशन इंटर एंड फाइनल। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वेज इन विच इंजीनियर कैन मेक इट टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टू नंबर ऑफ वेज सी ए कैन, 2:3। देखो जो इंजीनियर है वो दो तरीके से जा सकता है, तो 2 लिख दो। अब बच्चे गलती क्या करेंगे, जो सी ए है वो कितने तरीके से जा सकता है? 3 ही तरीके से जा सकता है। और सी ए पूछा है, उसने ये नहीं पूछा कि एक स्टूडेंट थ्रू सीए, पहले सीए बने, और वो उसने ऑलरेडी गिवन है कि वो बंदा सीए है, तो 2:3 आ जाएगा इसमें, सिंपल। इसमें क्या आ जाएगा आपका? 2:3 आपका आंसर आना चाहिए। गॉट दिस और नॉट? चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखना कितने टाइप के हो जाएंगे। हाँ ये आया ना क्वेश्चन, बताओ सिंपल क्वेश्चन है, क्या करोगे?
हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस कैन बी फाउंड फ्रॉम 8 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स? इसके दो तीन क्वेश्चन बनाऊंगा, मतलब दो तो एटलीस्ट, तीन बताओ। एक लाइन के लिए कितने पॉइंट सेलेक्ट करने हैं ये बताओ मुझे, एक लाइन के लिए आपको कितने पॉइंट सेलेक्ट करने होते हैं? 2 पॉइंट, 8 पॉइंट है, मतलब लाइन 2 पॉइंट के जोड़े से बनती है। 8C2, 8C2, 8C2 कितना हो गया? 18 कैसे हो गया? 28 नहीं होगा नवदीप, 18 थोड़ी होगा। 8C2 क्या हो गया? 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला भूल हाँ गया जी, मैं। क्या हो गया? टू 8 फैक्टोरियल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, हाँ जी, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल, सर, टू मतलब एन फैक्टोरियल माइनस इनटू आर। सिक्स फैक्टोरियल मतलब एन माइनस आर, हाँ, एन माइनस आर और आर, तो 8 इंटू 7 ओवर 2 फैक्टोरियल 4, 7 इंटू 4 28। क्या गलती कर रहे हो? सर हाँ जी मैं नवदीप बताओ मतलब मुझे, अभी हाँ प्रीवियस लेक्चर्स जी नवदीप नहीं, बताओ मुझे, प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे सर, तो मैं प्लस टू वाला क्या नहीं कंसेप्ट बता, लगा रहा था तो मेरे को ढंग से क्या फॉर्म नहीं आया। बता, प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे ना सर अभी आपके इसके परम्यूटेशन के, तो सर मैं प्लस टू वाला कंसेप्ट लगा रहा था तो सर थोड़ा उधर कंफ्यूज हो गया सर। एक पैरेलल के फॉर्मूला लिए भी याद तो नहीं था है ना क्या सर वाई, एनसीआर का? याद नहीं है क्या एनसीआर का? नहीं सर ये तो याद है सर। सर एक डायरेक्ट नहीं होता था सर कंसेप्ट इसके लिए कि अगर पैरेलल क्या लाइंस है कॉन्सेप्ट होता तो, बताओ, क्या कॉन्सेप्ट होता बताओ। सर एक होता था सर मतलब जितने पॉइंट्स दिए हो मल्टीप्लाई बाय, सर एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता था सर, दो लिखवाए थे मेरे डायरेक्ट को हमारे यही तो सर है ने। 8C2, सर 8C2 पैरेलल के लिए भी, सर एक पैरेलल के लिए भी होता था। मुझे और मुझे याद नहीं और है कुछ भी, याद नहीं है चलो कुछ इस भी, तरीके से चलो करना है इस ठीक तरीके है। से करना, ठीक है। अब यस सर, एक बात अब बताओ, एक बात, इस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देते हैं, आपके ना 4 पॉइंट कुलीनियर है, तब आंसर बताओ। आपके 4 पॉइंट कुलीनियर है, आंसर बताओ, फिर क्या होगा? टोटल 8 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट कुलीनियर हैं, तो आपकी टोटल लाइंस कितनी बनेंगी बताओ मुझे। बताओ, यू हैव 8 पॉइंट्स एंड 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो हाउ मेनी लाइंस यू कैन फॉर्म बाय दीज पॉइंट्स? देखो इस केस में सिंपल करना कि आपका इन केस ऑफ सारे के सारे कोलिनियर होते, नॉन कोलिनियर होते, तो इतनी लाइनें बनती। अब आपके 4 पॉइंट जो कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब क्या है, एक लाइन पे है, तो ये क्या है, आपस में लाइन नहीं बना सकते, बट दे कैन फॉर्म लाइन विद अदर्स, अदर पॉइंटों के साथ वो लाइन बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्योंकि उनके साथ तो कोलिनियर नहीं है ना, वो उनके साथ तो कोलिनियर नहीं है, तो आप क्या करोगे, आपस में 4 पॉइंट कितनी लाइन बनाते वो निकाल लोगे। क्या करोगे, 8C2 माइनस 4C2 हो गया, +1 कुलीनियर है, लेकिन एक लाइन तो उनकी काउंट होगी ना, सारी की सारी थोड़ी, एक लाइन तो बचेगी ना, एक लाइन तो काउंट होगी, वो लाइन आपको रखनी है, तो आपका माइनस क्या हो जाएगा, 8C2 माइनस 4C2। 4C2 अगर आप करते हो तो बेटा आपने क्या किया, आपने 4 कोलिनियर ये कर दिया। अगर आप आंसर 4C2 करते हो, इसका मतलब 4 नॉन कोलिनियर आपस में बना रहे, बट नॉन कोलिनियर के साथ साथ क्या होगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट कोलिनियर पॉइंट के साथ तो लाइनें बनाएंगे ना, मतलब तो वो मिस कर जाओगे आप 4C2 में, सीधा 4C2 आंसर नहीं होगा। आप क्या करोगे, 8 पॉइंट कितनी लाइन बनाते, ठीक है, 4 कोलिनियर है वो कितनी बना रहे हैं, 4 वो रख दोगे, एंड +1 कोलिनियर एक लाइन तो बनाएंगे ही बनाएंगे। अब बताओ मुझे, आप में से किसी को इश्यू है इसमें? हाँ जी
आई थिंक कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब मुझे बताओ कितनी ट्रायंगल बनाएंगे, आठ आठ नॉन कोलिनियर पॉइंट ट्रायंगल कितनी बनाएंगे, हर टाइप का करना है, बहुत वास्ट और बहुत मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए इस बार सी सेट में, बताओ मुझे। बताओ तो। हाँ जी 8C3, ऑब्वियसली 8C3 ठीक है। अच्छा ये बताओ अगर चार कोलिनियर होते तो कितनी ट्रायंगल्स बनती, 8C3। हाँ जी अगर आपके चार कोलिनियर्स होते तो कितनी ट्रायंगल बनती बताओ मुझे, चार कोलिनियर पॉइंट्स होते तो कितनी ट्रायंगल बनती। नहीं नवदीप, -4C3। हाँ ठीक है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, -4C3, आई थॉट कि 4C3 लिखा है, -4C3 ठीक है। इसमें वन क्यों नहीं ऐड करोगे, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट ट्रायंगल नहीं बनाते, कोलिनियर एक लाइन ही बनाते, ट्रायंगल नहीं बनाएंगे, प्लस वन नहीं करोगे ठीक है, प्लस वन नहीं करोगे। दिस विल बी योर आंसर, गॉट दिस और नॉट, इस एक क्वेश्चन के उस पे हमने तीन चार क्वेश्चन कर लिए, गॉट दिस। किसी को इशू है कोई भी इन क्वेश्चंस में बेटा, बहुत हर एग्जाम में कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आपका डिफिकल्टी लेवल हर एग्जाम का बढ़ता जा रहा है। हाँ जी ये क्वेश्चन देखो, ये अभी तक ये यूपीएससी नहीं पूछता इस टाइप के, वो इस टाइप के पूछता है, 10th है जैसे, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया, मैं बात करूंगा उसके। NC3 इक्वल टू NC8। हाँ जी ये तभी पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है सर, ये कब एनसीआर पॉसिबल, इक्वल्स कब टू पॉसिबल, एनसी, हाँ जी मतलब नवदीप एन बताओ। माइनस आर होगा ना हाँ सर, हाँ एन माइनस आर वाला फॉर्मूला लगेगा ना सर इधर, किसका किसका, एनसीआर इक्वल्स टू एनसी एन माइनस आर, या फिर एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 11 आंसर सर हाँ इसका। ठीक है हाँ बिल्कुल ठीक ठीक है। है ये इस केस में क्या होगा, जो ये चीज है ना आर, ये दोनों किसके बराबर होनी चाहिए, या तो क्या होगा देखो एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई है तो एन इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यही कह रहे हो नवदीप। यस सर, यस सर। और सर एक एक और तरीका भी तो होता था सर इसके लिए, एक कंडीशन, एक वो तो कंडीशन, वो क्या तो क्या क्या होगी, क्या आपका होगी, आर आपका आर एनसीआर इक्वल होने एनसीआर चाहिए, इक्वल यहाँ होने चाहिए, आर यहाँ अलग अलग आर है ना, अलग अलग है ना, ओके सर, एक्स ओके, इक्वल टू वाई एक्स, यस सर दूसरे वाले सर, एक ही ये ठीक वाला है, फिर वो क्या होगा, क्या दूसरा वो केस हो गया, दूसरा यहाँ केस हो तो गया, एन, यहाँ तो एन, मतलब आपका क्या मतलब आ आपका, जाएगा, एन क्या आ जाएगा, 3 + 8 = 11। इस केस में ध्यान रखना हमेशा क्या होगा, जो ये है ना इनका सम, ये तभी इक्वल होंगे जब इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, एन के बराबर होगा ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आता है ये वाले, वाले सर एक्स इक्वल्स टू वाई के लिए क्या बोला था सर आपने, एक्स क्या इक्वल्स टू चीज, वाई क्या चीज, कंडीशन, एक्स इक्वल्स टू वाई हो सर कंडीशन, उसके लिए क्या लगना है, एक्स इक्वल टू एक्स वाई, इक्वल टू वाई जब आपका जब देखो आपका ऐसे देखो गिवन हो, ऐसे गिवन हो, कोई भी क्वेश्चन आगे आएगा तो देखेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जैसे एनसीआर इक्वल टू एनसी एक्स इक्वल टू एनसी वाई, ऐसे गिवन है किसी, तो ये तभी पॉसिबल है, या तो एक्स वाई इक्वल है एक ही चीज है, या फिर या एक्स फिर एक्स प्लस वाई इक्वल प्लस टू वाई एन इक्वल है, टू मैं ये कह रहा था, या तो एक्स वाई की वैल्यू ही सेम है या उन दोनों का सम एन के बराबर है, तभी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब ये क्वेश्चन देखिए, इन हाउ मेनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड डेली कैन बी अरेंज बताओ, कैन बी अरेंज डेली, पांच वर्ड है सारे अलग अलग है, 5 फैक्टोरियल, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल मीन्स आपका 120। अब इसी क्वेश्चन में पटना है, पटना का क्या आंसर होगा,
पटना के केस में आपका क्या हो जाता है, पटना के केस में आपका नंबर जो है 5 फैक्टोरियल तो होगा, बट आपका ए 2 बार रिपीट होता है, तो याद करो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय P1 फैक्टोरियल इंटू P2 फैक्टोरियल। क्यों P1 और P2 क्यों करते हैं, जितनी बार आपका कोई रिपीट हो रहा है, जैसे ए 2 बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर क्या आएगा 60। -1 क्यों करेंगे, उसने रीअरेंज बोला है तो पटना को काउंट नहीं करेंगे, पटना से आपके 60 वर्ड्स बनेंगे, पटना से आपके कितने वर्ड्स बनेंगे बच्चे 60 बनेंगे, लेकिन उसने अरेंज की बजाय पटना को रीअरेंज कैसे किया जा सकता है, तो रीअरेंज का मतलब आप पटना को काउंट नहीं करोगे, तो 59 वर्ड्स हुए ना, इसका आंसर डी है ना कि ए। गॉट दिस और नॉट, इसका आंसर क्या है डी। गॉट इट। अब कंडीशंस लग जाती हैं, ये कंडीशन लगा के ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, परमुटेशन कंबिनेशन के कंडीशन पे कंडीशन पे कंडीशन लगती जाती है, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं परमुटेशन कंबिनेशन के। अब कंडीशन क्या लगा दी, हाँ जी हाउ मेनी वर्ड्स वुड बी, हाँ जी वुड बी स्टार्ट विद लेटर पी, तो आपका पी तो फिक्स हो गया, चेंज किस में आएगा, इसमें आएगा, चेंज किसके कारण आएगा, इसके कारण आएगा, तो पी तो फिक्स हो गया वन वे से, ये कितने वे से अपने आप को अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल मतलब 12, 12 12 आंसर आ गया। गॉट दिस और नॉट, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 क्यों किया, क्योंकि आपका वो चीज। अच्छा जो ये वाले क्वेश्चन है बच्चे NC4, कुछ नहीं करना, ऑप्शंस पुट करके देखनी है और सोल्व करना है आपने, सिंपल ऑप्शंस पुट करनी है घर जाके, क्योंकि इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है। जैसे क्या करोगे 5C4, अब ये तो मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा क्योंकि 5C4 हमें पता है 5 ही होगा, ठीक है, फिर 8C4 पुट करके देख लो, 8C4 क्या हो जाएगा आपका 8 × 7 × 6 × 5 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मतलब 24, ये क्या हो गया आपका 6, हाँ 8C4 आएगा, 8 आंसर आ जाएगा आपका, तो वैल्यू पुट करके देख लीजिए कोई इशू नहीं है इसमें, क्या करोगे वैल्यू सर ये वो वाली असाइनमेंट है जो आपने दे दी है सॉल्व करने को कि आज देंगे सर आप ये असाइनमेंट? हाँ जी नवदीप बताओ, जी नवदीप बताओ, सर आप आज देंगे असाइनमेंट ये वाली सॉल्व करने को कि आपने पहले दे चुके हैं ये असाइनमेंट? परमुटेशन कंबिनेशन परमुटेशन की कॉम्बिनेशन असाइनमेंट की नहीं दी है, असाइनमेंट दे दी थ्योरेटिकल है, पार्ट थ्योरेटिकल कंप्लीट कर पार्ट चुका है, कंप्लीट कर चुका। ओके सर, ओके। थ्योरेटिकल एक पूरा लेक्चर लिया है हमने इसका, पिछला लेक्चर परमुटेशन कंबिनेशन का था, आपने मिस किया था वो, आपने बताया था आपने मुझे कि बताया आप था मुझे कि सर आपका मिड सेम है, मिड सेम है। हाउ मेनी नंबर ऑफ 4 डिजिट कैन बी फाउंड बाय दीस, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, बताओ भाई 4 डिजिट कितने नंबर बन सकते हैं इससे, 4 डिजिट नंबर आंसर बताना सीधा, मुझे मुझे आंसर चाहिए कि आंसर क्या होगा इसका, हाँ जी 4 डिजिट है ना 1 2 3 4, फर्स्ट प्लेस पे कितने ऑप्शंस आएंगे आपके पास, 3, सेकंड पे 3 2 1, 18 होगा इसका आंसर, 24 नहीं होगा बेटा, 0 ला सकते हो क्या यहाँ 4 डिजिट नंबर में, नवदीप 0 नहीं आएगा, यही तो ऐसे ही सर तो क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी, थोड़ा घुमा के थोड़ा फिरा के, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट कैन बी फाउंड बाय, रिपीटेशन अलाउड है तो क्या हो जाएगा 3 × 4 × 4 × 4, रिपीटेशन अलाउड है, फिर भी 0 तो नहीं आ सकता ना फर्स्ट प्लेस पे, 0 तो नहीं आएगा, तो 3 × 4 × 4, गॉट दिस, गॉट इट सर। ये क्वेश्चन कर दो भाई 18th एंड 19th, मतलब मैं समझ जाऊंगा कि आपको थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझ आ गया, 18th और 19th क्वेश्चन कर दो, मुझे लगेगा कि आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझ आ गया,
ठीक है, बताओ मुझे कैसे करोगे इसको। ये क्वेश्चन करना आ गया ना, तो आपको जो है क्वेश्चंस यूपीएससी जैसे पूछ रहा है आप कर लोगे। इस बार 5-6 क्वेश्चन है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के। सर हम इसे ऐसे कर सकते हैं, मतलब मैंने पिछला लेक्चर मिस कर दिया था तो मुझे एग्जैक्टली परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का इतना पता नहीं है, बट मैं लाइक गेस करना चाहूँगी 200 एंड 1000 के बीच में जितने हो सकते हैं उतना निकाल लो, एंड उसके बाद 1000 एंड 1200 के बीच में. बिल्कुल ऐसे ही करोगे, बिल्कुल बिल्कुल ओके सर. करोगे ही ऐसे, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। लेकिन थोड़ा ध्यान से चलना कि फर्स्ट डिजिट पे कौन सा आ सकता है, सेकंड पे कौन सा। देखो 200 से 1000 के बीच में, बीच में बोला है, ध्यान देना, इन बिटवीन। अच्छा अब डिजिट्स क्या है, 3 डिजिट नंबर बनेगा इसके बीच में, तो 900, ठीक है, या आप कह लो अप टू 900 ले लो, एक ही बात है, 990। 3 डिजिट नंबर क्या कितने बनेंगे। अब फर्स्ट प्लेस पे आपका ना 0 आ सकता ना 1 आ सकता, क्यों नहीं आ सकता बताओ मुझे। जीरो और क्योंकि वन सर क्यों टू नहीं आ सकता, हंड्रेड 200 से ऊपर है, तो यहां दो तरीके से ही आ सकते हैं, या 2 या 3। समझ गए हम, कोई इश्यू नहीं है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं है। चलो अब सेकेंड प्लेस पे क्या कितने डिजिट्स आ सकते हैं बताओ मुझे। 2 सर. 3। 3 पक्का? 3 देखो, जो यहां नहीं आया वो, हाँ हाँ जी, यस जीरो सर, तो आ टू सकता है ना सर। क्या टू इंटू चीज? थ्री इंटू टू ठीक है ठीक है, 3। टैंग ना सर, क्योंकि जीरो भी आ सकता है ना सर बीच में। हाँ हाँ बिल्कुल आ सकता है। और यहाँ टू अगेन. टोटल कितने हो गए, 12। यस सर. ठीक है अब ये आ जाओ, 1 2 3 4, 1000 से लेके 1200 तक, 1000 to 1200। ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे कौन कौन सी डिजिट आ सकती है, तो सिर्फ 1 आ सकता है. सिर्फ हाँ वन सर, आ सकती है, तो एक तरीका हो गया। यहां कौन सी आ सकती है, सो 3. सर 0 नहीं आ सकता यहाँ पे, 0 और 1 2 नंबर नहीं आ सकते यस सर। सो 2 होना चाहिए. 0 1 रिपीट हो जाएगा ना, 1 आ गया तो। ओके नहीं टू सर, यहाँ पे 0 या 2 नहीं हो सकते. नहीं, कैसे हो टू जाएगा, क्यों बारह होगा, सौ से 1200 कम से ऊपर होना नहीं चला जाएगा। चाहिए. तो सर 1200 मतलब, अच्छा बीच में है वो नहीं काउंट होगा. हाँ ओके तो तो क्या रह गया बताओ, सिर्फ 0. एक ही ऑप्शन रह गई। यहाँ बताओ यहाँ क्या आएगा, टू वहाँ और पे थ्री में से कोई भी आ सकता है ना, दो ऑप्शन। कितने हो गए बच्चे, 14 आ गए, समझ। यस सर. अब इसमें गलती मत करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, आंसर क्या होगा। सेम चीजें हैं, रिपीटेशन अलाउड है, लेकिन बताओ। से पहले वाला तो 2 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगा. 2 इंटू, 4 इंटू 4 पहले वाला. आंसर बिल्कुल ठीक बताया आपने, 32। दूसरे दूसरा वाला 1 इंटू 1 इंटू वन2 इंटू इंटू रिपीटेशन अलाउड है, 2 हो जाएगा। सर. वन बट इंटू अच्छा वन 1 इंटू आ सकता है टू ना. इंटू यस सर, 1 भी आ सकता वन है. इंटू टू इंटू थ्री 1 इंटू 2 इंटू 4 फोर फोर इंटू 3 फोर फोर इंटू फोर आंसर तो है ही नहीं, 64। तो सर एक ये माइनस करेंगे हम। देखो ऊपर वाले में आप इस तरीके से करते हो तो पहले प्लेस पे आ सकता है आपका 203, 1000 और 1000 नहीं. और 0 0 200 इंक्लूड कर लिया आपने इसमें, कर लिया है कि नहीं कर लिया। यस सर. यस फर्स्ट सर, प्लेस पे 2 3 आ सकता है, यहाँ 0 0 दोनों पे आ सकता है, तो 200 इंक्लूड हो गया।
200 नहीं करना, आपको -1 करना पड़ेगा। 1200 इंक्लूड नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने यहां 1 माना है और यहां 0 और 1 माना है, 2 तो माना ही नहीं, तो 1200 समथिंग तो इंक्लूड ही नहीं हुआ, सीधी सी बात है। तो 32 के 32 रहेंगे, 31 + 32 कितना हो गया, 63। समझे हो कि नहीं समझे हो ये चीज? हाँ जी, गोट इट और नॉट? आ गया समझ में? कोई भी इश्यू है किसी भी बच्चे को, ऐसे ही टिपिकल टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं। 19th हो गया आपका, अब चलते हैं आगे हम। बेटा अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज्यादा है, 80 के आसपास है इस शीट में, करने हैं लेकिन आपको, कोई एक्सक्यूज नहीं है, क्योंकि इस बार मैं कह रहा हूं ना, 4-5 क्वेश्चन पूछे हैं यूपीएससी ने। अगर आप प्रैक्टिस में हो तो दिमाग लगा सकते हो, नहीं तो नहीं लगा सकते, सीधी सी बात है, ठीक है ना? तो आपको प्रैक्टिस में रहना है बेटा, इसमें पुट करके देखोगे, ये आप खुद करोगे, इनमें वैल्यूज पुट करके देखोगे, ठीक है? वैल्यू ऑफ एन और आर। अब क्वेश्चन ऐसे बनते हैं बच्चे, ये 22nd क्वेश्चन देख लो एक बार, फिर बताऊंगा इसके पीछे लॉजिक बताऊंगा, और फिर वैसे ही करना है, ठीक है? ध्यान से पढ़ लो, फिर मैं बताऊंगा कि ये है क्या चीज, करो इसको। पढ़ो इसको एक बार, पढ़ लो आप, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ। हाँ बताओ मुझे, पढ़ लो एक बार। बताओ भाई क्या होगा इसका, आइडिया बताओ क्या हो सकता है, क्या चीज? ऑप्शन आपके 8, 9, 10, 11, 12, 8, 10, 11, 12 ऑप्शन है, 8, 10, 11, 12 बताओ मुझे क्या होगा इसका। हाँ जी, अब मैं इन क्वेश्चंस के लिए ना आपको एक वो बताता हूँ, पूरे क्वेश्चन का मैकेनिज्म बताता हूँ, और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको कैसे अप्रोच करनी है। सर रिपीटेशन तो अलाउड नहीं है ना सर इसमें? सर इसका रिपीटेशन, आंसर 10 भी होना रिपीटेशन ऑफ चाहिए। व्हाट? सर रिपीटेशन ऑफ फ्रेंड्स। रिपीटेशन अलाउड है, सेट ऑफ सेम फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए, समझो? नहीं कर रहा ना, मतलब आपका अभिषेक, आपका माइक, आप कहाँ बात कर रहे हो? हेलो हेलो अभिषेक, आपका माइक का कोई इश्यू चल रहा है? हाँ जी ठीक है, चलो देखो नवदीप, यस सर। वो कह रहा है कि 20 फ्रेंड्स हैं उसके, और वो ऐसे ग्रुप बनाए कि वो मैक्सिमम टाइम पार्टी कर पाए, लेकिन उसके फादर की कंडीशन है कि 20 बेस्ट फ्रेंड से होने चाहिए। ही कैन नॉट कॉल द सेम सेट ऑफ फ्रेंड। मान लो वो दो फ्रेंड बुलाता है, तो नेक्स्ट टाइम इसको बुला सकता है दूसरे के साथ, नेक्स्ट टाइम किसी तीसरे के साथ बुला सकता है, तो कितनी बार भी बुला सकता है, लेकिन सेम सेट ऑफ फ्रेंड दोबारा पार्टी रिपीट नहीं करेगा, है ना? ये केस होता है। अब देखो, इसमें मतलब हाँ जी जैसे अर्शा, इसमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर आंसर अगर हम 12 लेकर चलें तो फिर हम दो फ्रेंड्स को किसी और ग्रुप के साथ बुला सकते हैं या फिर वो दोनों एक साथ भी नहीं होने चाहिए, बट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, वो 12 का सेट नहीं होना चाहिए वो बट उनमें सेट से। सेम नहीं होना चाहिए, आप उसमें से एक निकालो और कोई एक नया ले आओ। सर ऐसा नहीं हो सकता कि हम दो दो लोगों को दूसरे उसमें शिफ्ट कर दें रादर देन जस्ट वन? क्यों? उससे आपके नंबर ऑफ चांस पार्टी के घट जाएंगे ना। हाँ बट लाइक वो सेम सेट के अंडर एप्लीकेबल होता है ना।
कैसे, मतलब समझा नहीं मैं, कैसे हो जाएगा? आप एक भी बंदा चेंज करते हो सेम सेट कैसे रह जाएगा वो? सर वही पूछ रही हूँ सर, सेम सेट का मतलब सिर्फ एक फ्रेंड को बदलना है या फिर जैसे अगर 12 का सेट है तो उसमें से छः छः अलग भी कर दिए? नहीं, उसका मतलब ये है कि आपका 12 फ्रेंड है, चाहे आप 12 का ग्रुप बनाओ 10 का ग्रुप बनाओ, 12 के फिर अगला जो ग्रुप होगा ना वो सेम 12 का नहीं होना चाहिए, आप कोई एक बंदा चेंज कर लो। ओके सर ये तो मतलब 12 फैक्टोरियल वेज हो गए ना सर हमारे पास, 12 में से मतलब। 12 फैक्टोरियल वेज नहीं, सिलेक्शन 12 का करना है, कितने वेज से कर सकते हैं वो होता है 20C12, सर एन मतलब के जैसे साथ ए होता है बी एन टी सी ट्वेल्व डी ना सर। है, सर जैसे ए बी सी डी है तो अगर हमें कोई और सेट चाहिए तो इसमें से सिर्फ तो इसमें से ए को हटा के ई को ले आए तो भी एक डिफरेंट सेट ही हो गया ना, फिर वो तो चलेगा राइट? ये देखो ना, द नंबर ऑफ इनविटीज टू एवरी पार्टी हैव टू बी सेम, थर्ड ऑप्शन तो पढ़ो, अगली बार 12 ही नहीं होने चाहिए फिर, अगर 12 12 के सेट बना रहे हो तो। सर वो हाँ ओके सर सर थर्ड पॉइंट भी तो पढ़ो, देखो जो आपका फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट कल के लेक्चर्स में लिखवा रखे हैं उन्हीं बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसको ना मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। सर एक 20C12 हो जाएगा क्या नवदीप? सर, एक तो 20C12 लेंगे उसमें ऐड करेंगे या माइनस करेंगे सर, ये नहीं 20C12 ही मतलब। सिलेक्शन, देखो नंबर ऑफ सिलेक्शन जब आपको करने होते हैं ना, नवदीप तुमने क्लास नहीं लगाई थी, ध्यान से सुनो, आपको क्या है सेलेक्ट यस करनी सर, होती है, जैसे 15 बंदों की टीम है, अब वर्ल्ड कप आ रहा है 17 तारीख को, से 17 से आ रहा है, आपको 11 बंदे चूज करने हैं, तो आप सिलेक्ट कर लोगे 15C11, इतने वेट से आप टीम बना सकते हो। अगर आपके पास कितने बंदे हैं, अगर आपके पास 15 लोगों की टीम है तो सिलेक्शंस कितने वे से कर सकते हो, कितने वेट से आप 11 11 के पेयर बना सकते हो, सिंपल, कितने वेट से, 15C11, ठीक है? ये बात समझो, यस ये सर, होता है आपका सिलेक्शन आउट ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन, आर थिंग्स आउट ऑफ एन का सिलेक्शंस कैसे कर सकते हैं, एन सी आर, ठीक है? ये फॉर्मूला है सिंपल, एनसीआर को सोल्व कर लोगे। अब आपका जो ये यस केस सर, है इसमें 20 है, एन है 20, अब आप बना सकते हो, आप कितने की भी टीम बना सकते हो, ठीक है? अब आर सिलेक्शंस नहीं है, आप एनी सिलेक्शंस कर सकते हो। एनी सिलेक्शंस में क्या है आपका, भाई एक एक बंदे की टीम बनाए NC1, मतलब 20C1, वो 20 पार्टीज ही कर पाएगा, दो दो बंदे की टीम बनाए थोड़ी ज्यादा पार्टी कर पाएगा, तीन तीन बंदों की टीम बनाए, हाँ जी ध्यान से देखना, तीन तीन बंदों की टीम बनाए, चार चार बंदों की टीम बनाए, कोई भी बना सकता है, लेकिन उसे मैक्सिमम पार्टीज करनी है। मैक्सिमम पार्टी का मतलब है एनसीआर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एनसीआर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये चीज है ना? NC12 होगी ना सर वो तो। गॉट दिस और नॉट नवदीप? यहां तक यस सर, यहाँ तक पहुँचा गया सर। एनसीआर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसका सिंपल तरीका है, देखो हम बाइनोमियल थ्योरम में करते थे तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं मैं सिंपल, जब आपका क्या है ये, जब हमारा ये होता है NC0 NC1 अप टू NCN, जो आपकी मिडल टर्म होती है ना, मिडल टर्म, अगर आपकी देखो टोटल 20 है, 20 में आपका टोटल हो जाएगा, ध्यान देना, 20C0 टू अप टू 20C20, भाई एक की भी ना बनाओ टीम, 21 आपकी क्या होगी, 21 आपके तरीके से आप टीम्स बना सकते हो, 0 0 की आपकी टोटल टर्म्स 21 होंगी, टोटल टर्म्स कितनी होंगी बच्चे, 21, टोटल टर्म्स कितनी होंगी 21, जो जो मिडल होती है ना सबसे बीच वाली टर्म उसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम होती है। यहां मिडल टर्म्स कौन कौन सी होगी, देखो बेटा 0 से लेके 21 तक, 20 तक सॉरी, मिडल टर्म 10 होगी कि नहीं होगी, 20C10 यस इज द टर्म विच हैव मैक्सिमम वेज टू सिलेक्ट, 20C9 करके देख लो, 20C9 विल बी इक्वलेंट टू 20C11, वो इससे कम होगी, 20C8 ओके एंड 20C12 वो 20C10 से कम होगी, जो मिडल टर्म होती है ना बच्चे,
अगर आपकी ये टर्म्स मान लो 20 होती, यहाँ 21 थी, तो मिडल टर्म जो एग्जैक्ट बीच वाली है वो, अगर ये टर्म मान लो 19 तक होती, 19 तक होती तो आपकी, देखो अगर 19 तक होती तो आपका 19C9 और 19C10 दोनों इक्वल होते, 9 यस बंदों सर, का ग्रुप बना सकते था, 10 का बना एन सकते सी था। एन माइनस आर, हाँ जी बताओ नवदीप क्या। वही लॉजिक लगा रहे हैं ना सर आप इसमें, एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर, इसलिए मिडल वाली सबसे हाईएस्ट होगी क्योंकि हाँ बिल्कुल हाईएस्ट होगी, यस सर यस। समझो कि नहीं समझो बाकी लोग। अशी आपने नहीं क्लियर आंसर दे दिया। सर मुझे समझ में नहीं आया, एक बार एक्सप्लेन कर दो प्लीज। हाँ सुशांत देखो इस चीज को, एक मिनट मैं चेयर, देखो सुशांत क्या होता है, हम ना जब टर्म्स खोलते हैं ना, फॉर एग्जांपल आपका जो बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ी होगी, एक बार मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, 5 मिनट लूंगा आपके, ठीक है सबके। ए प्लस बी पावर एन जब हम खोलते हैं ना, तो एक्चुअली यहाँ क्या है, हमें ए और बी से मतलब नहीं है, ये ऐसे खोलते हैं ना, तो हमारा फैक्टर्स क्या होते हैं, देखो क्या होगा, NC0, ए रेज टू पावर एन, बी रेज टू पावर जीरो, ऐसे खोलते हैं हम, NC1, ए रेज टू पावर एन माइनस वन, बी रेज टू पावर वन, ठीक है ऐसे खोलते थे, आपको शायद इंजीनियरिंग में ये चीज पढ़ी हो इसलिए मैं बता रहा हूं। अगला क्या टर्म होती, NC2, ए रेज टू पावर एन माइनस टू, बी रेज टू पावर टू, लास्ट में जाते जाते क्या हो जाएगा आपका, NC, हाँ जी NC यहाँ क्या हो जाएगा, एन माइनस वन आ जाएगा, ए रेज टू पावर वन, बी रेज टू पावर एन माइनस वन, NCn, ए रेज टू पावर जीरो, बी रेज टू पावर एन, ऐसे खोलते हैं टोटल टर्म्स, ये क्या कोफिशियंट्स कहलाते हैं, ये क्या कोफिशियंट्स कहलाते हैं, ये कोफिशियंट्स कहलाते हैं, ठीक है। आपका जो सिलेक्शंस है उसमें इनका कोई यूज नहीं है, आपके सिर्फ कोफिशियंट्स का यूज है, आपके सिर्फ कोफिशियंट्स का यूज है, इनका कोई यूज नहीं है। अब ये कोफिशियंट मैक्सिमम कब होता है, ये कोफिशियंट मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, जब आपकी मिडल टर्म हो वो, यानी NC0 की भी नहीं होगी, NCn ये सबसे छोटी होगी, फिर NCn माइनस वन, NC1 इसकी वैल्यू होती है n ही, ठीक है, फिर NC2, जो बिल्कुल बीच वाली टर्म होगी ना, जो बीच वाली टर्म होगी वो क्या है, आपकी सबसे बड़ी टर्म होगी। अब ये तो मैंने बड़ा एग्जांपल लेके बता दिया, अब सिंपल सोल्व करके देखो, 4C0 सारी सोल्व करके देखोगे, 4C1 मुझे वैल्यूज बताओगे, 4C2, 4C3, 4C4, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू बताओ मुझे कितनी होगी, 6 होगी कि नहीं होगी, बड़ी टर्म कौन सी हुई, ये हुई ना। तो मैक्सिमम अगर आपने, आपके चार दोस्त हैं और आपको पार्टी मैक्सिमम टाइम करनी है, तो कितने कितने के ग्रुप ज्यादा बनेंगे, 4C2 के, वो सारी कंडीशन लगा के, उसके पापा ने जो लगाई है कि कोई ग्रुप फ्रेंड चेंज, ग्रुप दो दो के सारे अलग अलग बनेंगे, अलग अलग मतलब एक बंदा एटलीस्ट अलग होगा उसमें, है ना। अब ये 20 वाला था, ये तो बहुत बड़ा हो गया, अब 20 वाले केस में देखो, जीरो के बना सकते थे, ठीक है, वन के बना सकते थे, टू के, सेम अप टू 20 तक। अब आपको पता लग गया बीच वाली टर्म होगी वो सबसे ज्यादा होगी, गॉट दिस और सुशांत, गॉट इट और नो, है ना सिंपल। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बच्चे, ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, यही लॉजिकल क्वेश्चन हैं जो आएंगे आपके, गॉट दिस और नॉट, बताइए मुझे, कोई इशू, पेपर का लेवल देख के आई थॉट कि अब आपको अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा, नॉर्मल उसमें काम नहीं चलेगा, नॉर्मल जो बच्चे कहते हैं ना थोड़ा फॉर्मूला रट के काम, इस बार का CSET का पेपर उठा के देखना, बच्चों के तोते उड़ गए इस बार, 33 नंबर लेने, मतलब 33%, 66 मार्क्स लेने उनके लिए औखा काम हो गया इस बार, अच्छा लेवल है, बहुत अच्छा लेवल है, अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, दिमाग लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड है सारे, मतलब रट्टा मार के आप नहीं कर सकते कि हाँ फॉर्मूला रट लिया, नहीं, ये बताओ
इन हाउ मेनी वेज 10 आइडेंटिकल प्रेजेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग 6 चिल्ड्रन. इसका फॉर्मूला सीधा लिखवाया था आपका फिफ्थ जो टूल था. जब आपके आइडेंटिकल वो होते हैं, आइडेंटिकल गिफ्ट्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन अमोंग एन नंबर ऑफ पर्सन, ध्यान देना क्या था वो, एन आइडेंटिकल थिंग्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग, आइडेंटिकल थिंग्स डिस्ट्रीब्यूटिंग अमोंग आर चिल्ड्रन या आर पर्सन, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका एन प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है उसका. तो ये कहीं दिख रहा हमें 10 प्लस 6 माइनस 1 15 सी 5. ये पिछले लेक्चर में जाना पड़ेगा नवदीप, उसमें टूल नंबर 5 जो मैंने कराया था वो ये है, जब आपके आइडेंटिकल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं बिटवीन आर पर्सन तो क्या होता है एम प्लस आर माइनस वन एक्सक्लूडिंग जीरो. ओके सॉरी माई बैड, उसने एटलीस्ट वन प्रेजेंट बोला है. ये तब होता है, ये फॉर्मूला तब लगता है जब इंक्लूडिंग जीरो होता है, इंक्लूडिंग जीरो मतलब किसी को दो भी ना, तब आपका ये आंसर होता. नहीं तो आपका अगर एक एक आपको गिफ्ट देने हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है बच्चे एन माइनस वन सी आर माइनस वन, सिंपल एन माइनस वन सी आर माइनस वन. ये कौन सा हो गया सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, सी विल बी योर आंसर. ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है. एक हो गया आइडेंटिकल थिंग्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो एन आइडेंटिकल थिंग्स टू आर पर्सन इंक्लूडिंग जीरो, भाई एक भी ना दो तब तो फॉर्मूला बनता है ये. अब जब एक एटलीस्ट एक देना तो एन माइनस वन सी आर माइनस वन बनेगा, ये याद रखना, ठीक है. ये लास्ट लेक्चर में मैंने करवाया था. देखो कंडीशन बेस देखो ना कितना अच्छा क्वेश्चन बनता है. 24 हो जाएगा, 25th बताओ मुझे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी आजकल. बताओ मुझे, ए कैप्टन एंड वाइस कैप्टन आर टू बी चूजन आउट ऑफ ए टीम हैविंग 11 प्लेयर्स, हाउ मेनी वेज आर दे देयर टू अचीव दिस, बताओ भाई. क्या आंसर होगा इसका 25th? इलेवन सी टू, बिल्कुल ठीक है, मतलब बिल्कुल ठीक नहीं है थोड़ा सा. अब इसमें क्या रह जाती है बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस में ना हम सिर्फ सिलेक्शंस कर लेते हैं, अरेंजमेंट भूल जाते हैं. इसमें क्या भूल जाते हैं, अरेंजमेंट भूल जाते हैं. 110 बिल्कुल ठीक है सुशांत, ठीक है सुशांत और नवदीप में दोनों में डिफरेंट क्या डिफरेंस क्या है इस क्वेश्चन में. नवदीप ने सुशांत ने कैसे किया, सुशांत ने सीधा कर दिया कि 11 प्लेयर हैं, पहली जगह 11 आएंगे, ठीक है, दूसरी जगह 10, ये कर दिया 110, 11 में से कोई भी सिलेक्ट किया और आंसर आ गया. ये किया सुशांत आपने, ये किया ना. नवदीप ने क्या किया, 11, इसने क्या किया, इसके पास दो प्लेसेस थे, ठीक है, अरेंज करना है इस पे कैप्टन आना है तो, या वाइस कैप्टन, कोई भी कैप्टन वाइस कैप्टन, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कैप्टन वाइस कैप्टन कौन सी है प्लेस आपकी. पहले के लिए 11
प्लेयर हैं, दूसरे के लिए 10, अरेंजमेंट यही होगी। ठीक है, नवदीप ने क्या किया, दो सिलेक्ट कर लिए, 11C2। 11C2 क्या होगा आपका, 55। तो नवदीप का ज्यादा क्यों आ रहा है, आप अरेंजमेंट भूल गए हो, आपने सिर्फ सिलेक्शन किया है। नवदीप ने सीधा अरेंजमेंट पे आ गया, आपने सिर्फ सिलेक्शन किया है, आपने कल लेक्चर नहीं लगाया था ना, इसलिए आपने सेलेक्ट कर लिया। लेकिन पहले कैप्टन भी तो सिलेक्ट हो सकता है, जो बंदा पहले कैप्टन हुआ है वो वाइस कैप्टन भी हो सकता है, या वाइस कैप्टन पहले सिलेक्ट, मतलब दो अरेंजमेंट हो सकती है इसमें। 11C2 आपने दो पीपल सेलेक्ट किए हैं, लेकिन इन दो में कौन सा कैप्टन बनेगा, कौन सा वाइस कैप्टन बनेगा, वो नहीं बताया आपने, वो अरेंजमेंट मिस कर दी आपने। कोई भी दो प्लेयर चूज कर लिए, उन दो पोजीशन के लिए अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल गुना में नहीं करोगे, समझो कि नहीं समझो। हाँ ओके सर, ओके, जी नवदीप, समझ गए। हाँ यस सर, यस सर, उनकी पोजीशन के लिए, अरेंजमेंट के लिए, यस सर, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों का है ना ये क्वेश्चन? हाँ दोनों, ये आप ये कर सकते थे, ध्यान दो, 11P2 कर सकते थे, फिर आपका आंसर सही आ जाता। इसमें सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट होता है, परम्यूटेशन में क्या होता है, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट होता है ना, 11P2 आंसर आ जाता आपका। वो सोल्व करोगे तो 110 ही आएगा। जैसे आपको तीन प्लेयर चूज करने हैं, ठीक है, तीन प्लेयर चूज करने हैं, एक विकेट कीपर भी, कोई भी कर सकते हो, और कोई पर्टिकुलर नहीं है, कोई भी बंदा विकेट कीपर बन सकता है, ये सोच लो अभी के लिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 11C3 सिलेक्शन हो गए, और 3 फैक्टोरियल उसका क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हो जाएगी, या 11P3। समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो। हाँ जी नवदीप, गॉट दिस यस सर, यस सर, बेटा। ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़ा सा आपको अरेंजमेंट नहीं भूलनी है। ठीक है, आपने सिर्फ सेलेक्ट कर लिया था, अरेंजमेंट करनी है। अब ये देखो एनवेलप वाला, ये खुद कर लेना, एनवेलप वाला इजी है, ये हो जाएगा ना, ये बताओ मुझे ये क्वेश्चन। हाँ जी क्या हो जाएगा, सर, हमारे गिनवाओ पास मेरी चार बोली। वेरिएबल है और 5 कंपोनेंट है, तो टोटल 9 हो सकता क्या हो सकता है, है, डिवाइड कर देंगे सर, नाइन डबल नाइन अंग्रेजी सर, मतलब 2 फैक्टोरियल से और 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे सर, क्योंकि ये डबल डबल आया है। ठीक है। इन हाउ मेनी वेज राम चूज ए वोवल एंड ए कंसोनेंट फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड। हाँ जी, वोवल्स कितने हैं, सर, 4 ही हैं, सिमिलर हैं सारे, तो यस सर, एक ही तरीके चार को से हम चूज एक कर की तरह लिया। ट्रीट कर सकते हैं ना सर, क्या चीज, चार को हम एक की तरह ट्रीट कर सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, एक तरीका हो गया उसका चूज करने का। और बाकी ये चार तो टोटल 5 हो जाएगा, कितने हैं ये, 5 कंसोनेंट है, पांच, यस सर, ठीक है, तो 5 हो पांच जाएगा, कौन कौन से हैं, एक दो एल है, दो तीन 4 5, ठीक है, ये कैसे सेलेक्ट करोगे। सर इसमें भी तो डबल है सर, मतलब एल फाइव रिपीट हो रहा है ना, मतलब एल टू से रिपीट हो रहा डिवाइड है। करना पड़ेगा, हाँ जी, तो फिर बताओ कैसे करोगे, मुझे बताओ टू से डिवाइड कर देंगे सर। किसको डिवाइड करोगे 2 से। सर इसको जो 5C2 है सर, हमने किया हुआ, सर इनको एल के साथ, एल को एक की तरह ट्रीट करेंगे दोनों को, और बाकी चार, तो ये टोटल 4 4। सी 1, ओके सर, ओके।
एल को एक ट्रीट करोगे, उसमें इंटरनल अरेंजमेंट कुछ नहीं होगी। समझ गए? चार कंसोन, चार ही है ना आपके कंसोनेंट, तो फोर सी वन, ठीक है। पांच नहीं है सर कंसोनेंट पिछले वाले में, पांच है बेटा, लेकिन एल दो बार रिपीट हो रहा है ना वो, ओके तो सर। उसे एक ही काउंट करोगे ना, उसका सिलेक्शन एक वे से ही हो सकता है। अच्छे क्वेश्चन से बच्चे की सारे करने हैं आपको ना, क्योंकि देखो क्वेश्चन कभी भी यूपीएससी सिमिलर नहीं देगा किसी भी बुक से, बहुत कम चांस होते हैं किसी बुक का क्वेश्चन आए, वो थोड़े सी तो आपके चेंज करते ही करते हैं, और उसमें क्या है आपको थोड़ा सा ना अपना यहाँ इस्तेमाल करना पड़ेगा कि हाँ क्या हो सकता है, ठीक है। देर आर, हाँ जी ध्यान दो, देर आर थ्री रूम्स इन ए मोटल, वन सिंगल वन डबल एंड वन वन फोर फोर पर्सन, हाउ मेनी वेज आर देयर टू हाउस सेवन पर्सन इन दीज रूम्स, बताओ मुझे सात लोगों को कितने वेट से आप अरेंज कर सकते हो, ध्यान से सोच के बताना मुझे। देर आर थ्री रूम्स इन ए मोटल, वन सिंगल वन डबल फोर आपके, हाँ जी बताओ मुझे। क्या आंसर हो जाएगा इसका? देखो सिंगल रूम के लिए आपका सेवन, ध्यान देना ए होना चाहिए, चलो ए कैसे हो जाएगा बच्चे, इसमें आपके पास पर्सन सिमिलर नहीं है, आपके कमरे सिमिलर है, चूज पर्सन से किस तरीके से पर्सन चूज कर सकते हैं, थ्री रूम्स इन ए मोटल, वन सिंगल वन डबल एंड वन फोर फोर पर्सन, हाउ मेनी वेज देयर टू हाउस सेवन पर्सन, सीधी सी बात है फर्स्ट क्या हो जाएगा ये, ठीक है। सेवन फैक्टोरियल अपन थ्री फैक्टोरियल नहीं कर सकते, सेवन फैक्टोरियल ओवर ओवर थ्री फैक्टोरियल, कैसे बताओ मुझे, क्योंकि सर रूम थ्री टाइप के है ना हमारे पास, लोग तो फिक्स हैं। लोग फिक्स है लेकिन लोग वो भी तो कर सकते हैं, किस किस कुछ उसमें एक रूम रूम में कौन कौन जा से रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे ना सर, डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि सर अरेंज करने हैं ना उन रूम्स में। अरेंज करने हैं हमें, तो देखो सिंपल सी बात है, अगर हम फर्स्ट रूम में कितने तरीके से कर सकते हैं, सेवन सी फैक्टोरियल यस सेवन सी सर, वन, मैंने सर बॉक्स बना के कराए थे, तो जैसे वहाँ सिंगल पर्सन ऑक्यूपेंसी के लिए एक बॉक्स, डबल वाले के लिए दो बॉक्स, और जो चार वाला उसके लिए अलग, तो सर अगर उसे हम फिल करके कर रहे हैं तो अलग आ रहा है सर। सिक्स सी टू, यस सर, एक बार ये सोल्व करना कितना आएगा हमारा, हाँ जी बताओ मुझे कितना आएगा, ये सेवन इंटू सिक्स सी टू क्या आ जाएगा आपका, फाइव इंटू थ्री, ये तो ऑप्शंस में ही नहीं है, यस सर दैट्स व्हाट आई वांट टू से।
ओके सर ऐसे नहीं देख सकते सर इसको कि फोर वेज से। ये सॉल्व करना, फिर मैं बात करता हूँ। 7 5 × 3 ये कितना आया? 105। मैं तो ये तरीका यूज करता हूँ इसके लिए। ये देखना एक मिनट, ये कितना होगा? वन जीरो फाइव से तो बड़ा ही आएगा ना सर ये। नहीं, करके देखो एक बार। सर 105 ही आ रहा है ये। 105 ही आ रहा है मेरे हिसाब से। इस तरीके से होना चाहिए था ये। 7 C1, 6 C2, 4 C4। ये तरीका बॉक्स बना के कर सकते हैं हम। कैसे? आपने क्या किया कि सिंगल, डबल, ठीक है, समझ गया। देखो आपके सर पास फोर सेवन, ठीक वेज सर टू वेज से और सेवन है वेज ठीक से है, ये भी आपस कर, में वैसे किया ठीक था है सर ठीक है। मैंने। आप क्या कर सकते हो, जैसे आपके एक ये है पी, ये ए ए है, और ये आपका टी 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 टी, 4% सेम उसमें है। अब इनकी कितनी अरेंजमेंट्स कर सकते हो आप? यही है ना, इनकी कितनी अरेंजमेंट्स कर सकते हो, इनकी सर कितने यही तरीके से अरेंज वर्ड बना सकते हो इससे, यही है ना। कोई भी 4% सेम रहेंगे एक रूम में, कोई भी दो एक रूम में रहेंगे, एक सिंगल। जैसे पटना था तो यहाँ क्या है, सेवन तो अंकित सर आपस में अरेंज होंगे ना सर वो क्या चीज, सर सेवन आप सेवन आपस में अरेंज होंगे और सर जो चार एक रूम में होंगे वो आपस में अरेंज होंगे। बेटा आपस में अरेंज तब करते ना जब हमें वो पूछा होता, क्या बोलते हैं, सर मतलब सेवन हो गए ना सर अरेंज तो उसके बाद जो चार एक बॉक्स में है सर वो मतलब आपस में भी तो होंगे अरेंज उसके बाद सर फोर नहीं उसका हमें फैक्टोरियल। ये थोड़ी गिवन है कि आपके पास मतलब 7 सीटें हैं। इंटरनल अरेंजमेंट थोड़ी होगी इसमें। तो सर कैसे किया हमने फोर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई से। मल्टीप्लाई नहीं किया, डिवाइड किया है। देखो ना, जैसे आपका पटना में, जैसे आपका पी ए टी एन ए, दो सिमिलर वो थे, ठीक है। यस सर आप इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, पटना से कितने वर्ड बना सकते हो? सेम आपका चार जो है सिमिलर होने चाहिए, दो सिमिलर और एक अलग, है ना, ये होने चाहिए। 7 टोटल आपके यस सर पास अल्फाबेट्स है, ये लगा लो। तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 7 फैक्टोरियल। बट आपका क्या होगा, दो सिमिलर है, मतलब दो एक कमरे में ही रहेंगे। इनकी इंटरनल अरेंजमेंट नहीं है। इनकी क्या है कि आपको, फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी एक ही अरेंजमेंट नहीं देखेंगे, क्योंकि एक ए सिमिलर है, और जो एक कमरे में रह रहे हैं उनका हमें कैसे रह रहे हैं वो मतलब नहीं है हमें, ठीक है। उसमें कोई चेयर थोड़ी लगी है, कोई बेड थोड़ी लगा कि अरेंजमेंट करना है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो हमारा, जैसे ये सिमिलर है, तो हमारा क्या होगा, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, ये चीज आएगी। या ये सोच सकते हो आप सिंपल, कि जो फर्स्ट रूम में है, 7 में से 1 सेलेक्ट करना हो, 7 C1, 6 C2, 4 C4, ये तरीका हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी बताओ मुझे। सर पहले वाला थोड़ी ना आ रहा है सर 105 सेवन फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल है सर वो। 7 फैक्टोरियल अपॉन में है देख, सर। अच्छा, अब दिखा मेरे को सर वो। अपॉन यस में सर है ये, यस सर यही डाउट था सर मेरे को लगा मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये कैसे हो रही है। नहीं अपॉन में आएगा ये, सिमिलर है ये। ओके सर जैसे ओके तब हम तो वर्ड की अरेंजमेंट में कितने तरीके से कर सकते हैं, इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखो भाई, 19th क्वेश्चन ना बहुत ही डिबेटेबल है, ठीक है। 19th क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिबेटेबल है, और इसका एग्जैक्ट आंसर
कहीं नहीं मिलता, जिसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है वो भी नहीं बता पाता, ठीक है। हाउ मेनी वेज आर देयर टू चूज द फोर कार्ड्स ऑफ डिफरेंट सूट्स एंड डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स, बताओ। हाउ मेनी वेज आर देयर टू चूज फोर कार्ड्स ऑफ डिफरेंट सूट एंड डिफरेंट वैल्यूज मतलब आपके देखो हर सूट के आपके 13-13 कार्ड होते हैं, और सॉरी सूट्स क्या हो गया आपके, हाँ जी सूट्स एंड डिफरेंट वैल्यूज, हाँ अलग अलग मतलब आपके, क्या है वो, किंग क्वीन वगैरह वैसे वाले कार्ड्स या हाँ फिर जो स्पेड हार्ट डायमंड वो वाले? नहीं सूट का मतलब ये हो गया आपका जो आपका क्या होता है उसे, डायमंड हो गया, दूसरा क्या बोलते हैं हार्ट हो गया, हार्ट स्पेड डायमंड क्लब हाँ वो सूट हो गया, और वैल्यूज मतलब 1 2 3 4 किंग क्वीन वो वाला, तो 13 वैल्यूज होती हैं, 4 सूट्स होते हैं, हर सूट के 13 कार्ड होते मतलब हैं, क्या चीज। सर डिवाइड तो करते हैं किस देखो तरीके एक तो से? सिंपल तरीका क्या है कि आप उनको जैसे फॉर एग्जांपल 52 कार्ड है, देखो इसका ना जो बुक में आंसर है, जो सभी बुक्स में ये आंसर मिल रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो ये है आपका, उसने कैसे किया कि आपके पास 52 कार्ड्स हैं, 13 सेम कलर के हैं, ठीक है, हर कलर के 13 है, तो चांस क्या है 13 में से कोई एक आएगा तो वो पूरा सूट क्या है फर्स्ट, उसमें कोई भी 13 में से एक आने के चांसेस हैं, हर के 13-13 है ना, हर जो सूट है उसके 13-13 पत्ते हैं, है ना, 13 वैल्यूज है, तो जो फर्स्ट कार्ड निकाला चांस क्या है कि किसी एक सूट का और एक उसका होगा, कोई भी 13 कार्ड में से एक कार्ड हो सकता है ना, मान लो यस आपका सर, आपका डायमंड निकला, कुछ भी निकला, वो 13 में से निकल सकता है, ठीक है। अगला उसने 12, 12 क्यों किया, क्योंकि वो वैल्यू का कार्ड भी निकाल दोगे आप, वो नहीं रहेगा, कौन सी वैल्यू का, मान लो आपका 1 का निकला है, 1 निकला है, 2 का निकला है, किंग निकलना है, क्योंकि आपने डिफरेंट वैल्यू का निकालना है, तो आपके पास 12 कार्ड बच गए अगले उसके, उससे अगले के 11 बच गए, उसके अगले के 10 बच गए, आंसर ये गिवन है, ठीक है। लेकिन कुछ पर लोगों सर का सूट कहना है भी तो डिफरेंट है, पर क्या चीज, सर सूट भी तो डिफरेंट है सर, हाँ चार तो सूट में से नहीं कटेंगे चूज? वो निकाल दिए ना उसके 13 पत्ते, 13 अगला सूट होगा, अगला 12 ही पत्ते बचे हैं, अगला सूट हो गया मतलब उसके सर क्या है, ये बोलना ठीक है, चाहते हैं कि जो सूट निकला और वो नंबर एक बार निकला डिस्कार्ड, दोबारा निकाला हमने, तो सर ये भी तो जरूरी नहीं है कि सेम सूट से, मतलब नंबर डिफरेंट हो सकता है पर सूट तो सर सेम हो सकता है ना? सूट भी डिफरेंट होना यस चाहिए ना, सर, ये लिखा हुआ है डिफरेंट सूट एंड डिफरेंट वैल्यूज, ओके ठीक है। एक तो ये है, ओके सर। एक आपका जो इसका क्वेश्चन करने का तरीका है, लोगों का ये आंसर आता है, वो क्यों आता है वो मैं बताता हूं, उनका कहना है सही कि कौन हाँ सा है सर? जी सही कौन सा है सर? बेटा सभी बुक्स में आंसर ये टिक गिवन है, बट मुझे लगता है कि ये सही है, सभी बुक्स में ये आंसर गिवन है, सभी में, क्यों ये मुझे ठीक लगता है कि देखो आपके टोटल 52 कार्ड हैं, जो एक्सप्लेनेशन है ना वो आपकी राइट नहीं लगती मुझे, जो इन कार्ड्स के लिए कोई भी फर्स्ट सूट है वो कहते हैं कि पहले सूट के 13 कार्ड हैं, तो एक 13 में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो आप, लेकिन वो आपको अलग अलग तो नहीं गिवन है, सभी बुक्स में ये एक्सप्लेनेशन गिवन है। अब जो ज्यादातर लोगों ने किया वो कैसे किया, जो मैं भी जो तरीका मानता हूँ, 52 कार्ड्स हैं इसमें से एक सेलेक्ट करना है, तरीका क्या हो गया, 52 तरीके से एक कार्ड सेलेक्ट हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, शुरू में मैं भी ऐसे ही कर रहा था सर। ठीक है। फिर देखो अब क्या है, आपको क्या करना है, हाँ जी 52C1, अब देखो एक तो उसके कार्ड निकाल दो जिसका कार्ड निकल गया, 13 निकाल दिया आपने, क्योंकि वो कार्ड अब आपके काम के नहीं है,
जिस सूट का निकल गया, नेक्स्ट उसमें क्या करोगे? वो डिस्कार्ड हो जाएंगे ना, वो तो इनवैलिड कार्ड हो गए ना। मान ले जिस सूट का ये निकला है पहला कार्ड, उस सूट के कार्ड तो सारे डिस्कार्ड करोगे ना, क्योंकि जी वो सर, तो कार्ड आपके लिए इनवैलिड हो गए। हाँ सर 49 में से, तो मतलब अब 39 बचे, 39 39 में से प्लस 3 3, मान लो आपका किंग निकला था, तो किंग भी 3 डिस्कार्ड करोगे ना, ओके सर। वो भी इनवैलिड कार्ड हो गए, यस वो भी कार्ड में काउंट नहीं होंगे ना आपके। सर, तो क्या बच गए? 36 कार्ड बच गए। नेक्स्ट 36 में से एक सेलेक्ट करना है, आपका क्या आ जाएगा? 36। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आपका ऐसे ही, अब इसके जो कार्ड से कितने थे, जो भी कार्ड आया उसके 12 कार्ड थे, वो माइनस करोगे, और जो भी वो आया उसके 3, सॉरी 3 नहीं 2, क्योंकि एक तो इसी में और 2 और वो बच गए थे, क्योंकि एक एक तो सारे नंबर्स का 13 में निकल गया था, एक एक तो सारे नंबर का 13 में निकल गया था, तो सर जैसे अगर नंबर किंग नेक्स्ट आया। निकला था, सर जैसे अगर किंग निकला था, तो सर किंग तो किसी एक फिक्स सूट का निकला होगा। बेटा कोई एक सूट का निकला, उसके 12 पत्ते थे, तो वो 12 निकालोगे ना, 13 नहीं थे ना दूसरे हाँ वाले। वो तो ठीक है सर, लेकिन बाकी किंग अगर सपोज हमारे पास किंग आया था, तो हमने बाकी किंग मान को लो इस इसलिए बार हटा क्वीन दिया क्योंकि निकली, उसकी वैल्यू नहीं थी, और मतलब लाइक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं थी क्वीन के, ये तो फेस जी कार्ड्स थे ना सर। हाँ जी बताओ मतलब सुशांत। मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो अगर सपोज हमारे पास किंग निकला, हमने कार्ड निकाला एक, हाँ वो डायमंड डायमंड का किंग निकला, तो सर हमने डायमंड वाले जितने भी बाकी कार्ड्स थे वो सारे हटा दिए, हाँ और जो किंग के कार्ड्स थे हमने वो भी हटा दिए, तो हाँ सर किंग के कार्ड हमने क्यों हटाया, उसके पीछे का रीज़न क्या? क्योंकि उसने कहा है ना कि सर डिफरेंट वैल्यू होनी चाहिए, डिफरेंट वैल्यू, किंग की वैल्यू तो है ना, सेम है ना, किंग तो किंग नहीं आना चाहिए अब दोबारा। ये क्वेश्चन में लिखा है डिफरेंट सही सर, सूट ये एंड तो पढ़ा डिफरेंट था वैल्यू, मैंने। ओके सर, ओके तो अगली बार 12 माइनस 2 14 किया, 22, 22C1, 22 हो गया। नेक्स्ट देखो, अब आपका जो बच गए 22 कार्ड से, उसमें से हाँ जी एक निकाला 22C1 करके, इतनी पॉसिबिलिटीज है, इनटू 22 कर दिया हमने। अब देखो इससे सर कितने कार्ड उसमें तो बचे थे, थ्री 11 माइनस माइनस 1 12, 12 माइनस करो इससे, 12 माइनस किया आपने, आ गया 10, 10C1। मेरे हिसाब से ये आंसर हो सकता है। अब दोनों ही, आप चाहे नेट पे जाओ चाहे आप कहीं भी करो, दोनों तरीके से आपको आंसर्स मिलेंगे। बुक्स में आंसर वो वाला है, मुझे नहीं समझ आया कि वो आंसर, ये आंसर कैसे गलत है या वो आंसर कैसे गलत है, दोनों मुझे ठीक लगे, तो ये मेरे लिए थोड़ा डाउटफुल है। ठीक है, तो देखो इसमें सिंपल सा, पहले वे में तो वो कह रहा है कि पहले के 13 ऑप्शन है, फिर 12 ऑप्शन है, फिर 11 ऑप्शन है, फिर 10 है, सिंपल। लेकिन उन लोगों का कहना है कि 52 कार्ड्स है ना, तो आप 13 अलग से कैसे छाट सकते हो, आपको तो 52 में से एक पहला छाटना है ना। सर वही सर, वही देख रहा था मैं भी शुरू में सर, मैं 52 से किया था ये। लेकिन इसका भी एक रीजन था जो मुझे मेरे एक, मतलब कह सकते हो नॉन से डिस्कशन में आया था, कि प्रहलाद उसने का जो रीजन था वो भी वैलिड है। 13 कार्ड, अगर आप बात करो सूट सिमिलर है, ध्यान देना उसने जो बोला था, 13 कार्ड सूट सिमिलर है, तो आपका वो क्या हो गया, अगर इसको आप 52 कार्ड्स है ना, 52 कार्ड्स हैं, तो 13 कार्ड का आपका इसे कैसे मैं बताना चाह रहा हूं मैं, C4 4 नहीं, उस तरीके से नहीं होगा। हाँ जी 13 सिमिलर कार्ड्स हैं, चलो इसको यहीं वो करते हैं हम। आप
इस तरीके से ही करना अभी, 13 × 12 × 11 × 10। डाउटफुल था, मैंने डाउट बताया कि क्या डाउट था, आपको अंधेरे में नहीं रखना था मुझे, क्योंकि ये थोड़ा मुझे डाउटफुल लगता है क्वेश्चन हमेशा, और मैंने इस पे बहुत रिसर्च की है, मुझे दोनों तरीके ठीक लगते हैं। ये हो जाएगा, हाँ ये क्वेश्चन देखो, ए सेट ऑफ 15 डिफरेंट वर्ड्स आर गिवन, इन हाउ मेनी वेज इज इट पॉसिबल टू चूज ए सबसेट ऑफ नॉट मोर देन 5 वर्ड्स। बताओ, बताइए मुझे, बहुत आसान क्वेश्चन है और इजी रहेगा। बताइए बताइए, ए सेट ऑफ 15 डिफरेंट वर्ड्स आर गिवन, इन हाउ मेनी वेज इट इज पॉसिबल टू चूज ए सबसेट ऑफ नॉट मोर देन 5 वर्ड्स, बता सकते हो? क्या आ गया? देखो, सबसेट ऑफ 1 वर्ड होगा, 15C1, कोई दिक्कत है किसी को? चूज ए सबसेट ऑफ नॉट मोर देन, ठीक है, और क्या चूज कर सकते हो? हाँ जी, 15C2, 15C3, 15C4, 15C5, इससे ज्यादा का तो नहीं कर सकते हो, समझे हो कि ओके नहीं सर, ये समझे? ऐड होंगी सर फिर, हाँ, और आएगा ना, और सबसेट वर्ड है तो ये सेलेक्ट ऐड करने। होंगी ना सर आपस में। हाँ, ऐड होंगे ये। 15C ओके सर, जीरो भी ओके आना चाहिए, आई थिंक 15C0 भी आना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें गिवन नहीं है कि सबसेट, तो वो भी होगा ना, जीरो नल भी तो होता है, नल वाला सबसेट भी तो होता है कि आपका एक भी ना चूज करो, सर लिखा तो और है सर कि चूज एक चूज कीजिए, कर। हाँ सुशांत बताओ। सर लिखा तो है सर कि चूज करने है, मतलब ऐसे छोड़ तो नहीं सकते ना सर। ए सेट ऑफ 15 डिफरेंट वर्ड्स, इन हाउ मेनी वेज इट इज पॉसिबल टू चूज ए सबसेट ऑफ 15। जब सबसेट काउंट करते हैं ना बेटा, नल सबसेट भी काउंट होता है, वो सेट थ्योरी में पढ़ते हैं ये हम, सबसेट में नल वाला होता है, किसी भी सेट का सबसेट नल होगा ही होगा, ये जरूरी है। देखो, आप ये वाला सेट और ये वाला सेट और ये वाला सेट कोई भी चूज कर सकते हो, ठीक है, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं चूज करने की, और है तो आप प्लस करोगे, ठीक है, आ जाएगा आंसर आपका, चूज कुछ भी आ जाएगा, मतलब निकाल सकते हो। इन हाउ मेनी वेज कैन 12 पेपर कैन बी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताना मुझे। समझो इस क्वेश्चन को और फिर मुझे बताना। सी या डी? आई थिंक डी किसने लिखा है?
दोनों ही आपने लिखे हैं। पहले क्वेश्चन में दिया था ना इसका डी आएगा प्रशांत, इसका भी देखो। अब आप वो तो निकाल नहीं सकते कि कैसे कैसे, आप क्या निकाल सकते हो कि जब ये इकट्ठे आए कितने तरीके से इकट्ठे आ सकते हैं, वो माइनस कर दो तब वो अलग अलग होंगे। टोटल कितनी अरेंजमेंट हो सकती है 12 पेपर्स की, 12 पेपर्स हैं, टोटल अरेंजमेंट 12 फैक्टोरियल हो सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती, यस इसमें सर, कोई डाउट है? नो सर, माइनस कर दो जब ये इकट्ठे आते हैं, क्या क्या कंडीशन बच जाएगी? जब आप इकट्ठे आने वाली कंडीशन हटा दोगे तो अलग अलग आएंगे हमेशा। अब यस सर, इकट्ठे कब आएंगे? देखो आपके टोटल पेपर कितने हैं, 12 हेलो, प्लस प्लस आप क्या करोगे, ये दोनों वर्स्ट और बेस्ट पेपर इकट्ठा मान लिया, 11 फैक्टोरियल हो गया इंटू यस सर, 2 फैक्टोरियल। इंटरनल अरेंजमेंट मैटर करेगी यहाँ क्योंकि भाई, एक साथ वो नहीं आ ऊपर है वो सकते नीचे है, ये दोस्त। मैटर करेगा। तो इतने तरीके से ये इकट्ठे हो सकते हैं, तो इंटू टू डी विल बी योर आंसर। ओके ओके, गॉट इट सर। बिल्कुल सिंपल है ये, अब तो बता दो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। ऑल वोवल्स कम टुगेदर, वोवल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 है ना, और वो कितने हैं? 1 2 टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? 33, 33rd। फोर फैक्टोरियल इंटू फाइव फैक्टोरियल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इंटू देखो वोवल्स को इकट्ठा कर दिया और 3 कंसोनेंट थे, 3 और 1 4, 4 फैक्टोरियल, लेकिन इनकी इंटरनल अरेंजमेंट 5 ही है। बिल्कुल ठीक है, ये आंसर किसका होगा? डी वाला आंसर क्या होगा? सर, माइनस से बीच में सर डी वाला आंसर जब वोवल्स इकट्ठे नहीं है, नहीं होंगे। ठीक है सर, ये ठीक है ना। लिखा क्या है सर? 9 फैक्टोरियल किस माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, डी में ये लिखा है, 9 फैक्टोरियल लोकेशन? माइनस 4 फैक्टोरियल, 4 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो वही हो गया ना कि जब ये इकट्ठे नहीं होंगे, तो अगर क्वेश्चन में इकट्ठे नहीं हुआ हुआ तो ये करते, इकट्ठे में वो किया आपने। ठीक है अब क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है खुद भी कुछ क्वेश्चन करोगे आप। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ बेटा, क्वेश्चन अच्छे हैं और करने हैं, ठीक है। कर लोगे बताओ भाई, करो ये 37 to 39। नवदीप डी कितना है आंसर, कितना है? सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है सर, पर ऐसे करेंगे ना सर, 25C2 - 7C2 + 1। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 25C2 यस सर, सेम ही करा, -7C2। आंसर कितना है? फिफ्टी आंसर सी टू सर तो हो गया मतलब आपका 300 है ना, और ये हो गया 7C2, कितना हो गया? 37 into 6, 21 + 1, 218 ही है इसका, ये सर टू कैलकुलेट एट्टी नहीं किया था सर। यस सर, टू एट्टी आना चाहिए इसका। हाउ मैनी ट्रेंगल्स
निकाल लोगे ये तो यार 25C3 माइनस ट्वेंटी सेवन फाइव सी सी थ्री थ्री माइनस सिंपल, सेवन सी थ्री क्योंकि कोलिनियर पॉइंट वो नहीं बनाते, क्वाड्रिलेटर 25 ट्वेंटी फाइव सी सी फोर 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 माइनस सेवन सी फोर ठीक है, सिंपल है। ये सब करना थोड़ा सा, ये बताओ इन हाउ मेनी बैटिंग ऑर्डर्स आर पॉसिबल फॉर ए इंडियन क्रिकेट टीम इफ देर इज ए स्क्वाड ऑफ 15 टू चूज फ्रॉम सच दैट सचिन तेंदुलकर इज ऑलवेज चूजन। बैटिंग ऑर्डर भी बताना है, ध्यान देना, सिर्फ ये नहीं बोला कि 11 की टीम चूज करनी है, ध्यान देना। उसने ये नहीं बोला कि 11 की टीम चूज करनी है, उसने बोला बैटिंग ऑर्डर चूज भी करनी है और अरेंजमेंट भी बतानी है, और सचिन को चूज करना ही करना है। तो बताओ क्या आंसर होगा आपका। सर 11 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल नहीं, 10 फैक्टोरियल कैसे हो जाएगा? ये सर देखो फिफ्टीन अरेंज, पहले देखो इसको सिलेक्शंस और अरेंजमेंट के तरीके से करो ना। पहले सिलेक्शंस कैसे कर सकते हो, मुझे ये बताओ सिलेक्शंस कैसे कर सकते हो, फिफ्टीन सी इलेवन कितना? सर 15 में से चूज करने हैं सर 11 14C10 नहीं होगा, सचिन बताओ क्यों? तेंदुलकर सर प्लेस फिक्स्ड है सचिन तो सिलेक्टेड है ना, यस सर सचिन तो सिलेक्टेड है। अब इंटरनल अरेंजमेंट 11 फैक्टोरियल आ गया आंसर, 14C10 इंटू 11 फैक्टोरियल, जो भी होगा इनमें से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आएगा किसी ना किसी का। फोर्टीन और शायद सर सी टेन क्या होता है, 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 बाय 11 बाय 24। 24 से किया, 12 से किया 2, 7। 13 इंटू 11 इंटू 7 91 इंटू 11, 91 इंटू 11 1001, 1001 इंटू 11 फैक्टोरियल। गॉट दिस और नॉट? गॉट इट सर ठीक है चलिए। ये बता सकते हो, 44th, 44th बताओ, पढ़ो इस क्वेश्चन को। सिंपल है, एक क्लास परफेक्ट गोज, क्लास परफेक्ट क्या होता है, मतलब मॉनिटर मॉनिटर। हाँ जी, थर्टी जो सैनिक स्कूल्स में रहे हैं उन्हें थ्री तो पता ही है, वैसे थ्री परफेक्ट्स होते थे हमारे यहाँ। ठीक है, एक क्लास परफेक्ट गोज टू मीट द सर प्रिंसिपल एवरी वीक, हिज क्लास हैज 30 पीपल अपार्ट फ्रॉम हिम, इफ हैज टू टेक ग्रुप ऑफ 3 एवरी टाइम ही गोज टू द प्रिंसिपल, इन हाउ मेनी वीक्स विल ही एबल टू गो टू द प्रिंसिपल विदाउट रिपीटिंग द ग्रुप ऑफ द सेम 3, बताओ भाई RTP3 सर क्या चीज़? 30P3 थर्टी थर्टी पी पी थ्री पी सी थ्री पी सर पी होगा, अरेंजमेंट हाँ सर सिलेक्ट और अरेंज दोनों कर देगा ना वो हाँ जी। तो अरेंजमेंट क्यों चाहिए मुझे ये बताओ यहाँ। अरेंजमेंट नहीं सर रिपीट नहीं होनी चाहिए ना सर सर वो रिपीट नहीं होंगे ना फिर तो अरेंजमेंट और रिपीट का तो सिलेक्शन में, तो अगर आपने कर लिया तो
अरेंजमेंट का तो कोई इशू ही नहीं आता ना। अरेंज क्यों करना सर ये बताओ मुझे सुशांत, अरेंज करना ही क्यों है इस क्वेश्चन में? वो किसी चेयर पे थोड़ी बिठा रहे हैं, उसे यस सेलेक्ट करना है कि तीन तीन के ग्रुप सेलेक्ट करने हैं। कितनी बार कर सकते हैं, सिलेक्शन किससे होता है? तीन तीन के ग्रुप सर सेलेक्ट करने हैं कॉम्प्लेक्स ना उसने, उसे मतलब नहीं है कि, समझ रहे हो मेरी बात? यस क्वेश्चन सर यस समझ, सर उसे तीन तीन के ग्रुप विदाउट रिपीटिंग वो करना है। सिंपल सी बात है, 33 सिलेक्शंस हैं, 33 सिंपल सिलेक्शंस हैं, उसमें कुछ है ही नहीं। गॉट दिस और नॉट? यस सर गॉट गॉट इट, इट सर गॉट इट। चलो थोड़ा सा तो आप खुद भी करोगे। मैं अभी रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं, आप मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं आपसे, नवदीप एंड सुशांत, ठीक है? 2 मिनट रुकना आप। ओके सर